और देखिए लुधियाना शहर में हम बैठे हैं इस समय। लुधियाना शहर 1947 के बाद जहाँ पर हिमाचल से लोग आए, उत्तराखंड से आए, नेपाल से आए, यूपी से आए, मद्रास से आए, हांसी हिसार से आए, राजस्थान से, बाहर से लोग आके यहाँ पर लुधियाना आबाद हो गया। बाकी पाकिस्तान से बहुत लोग आए। तो उन्होंने बच्चे साढ़े माता जी ने भी ये कहते मैं 86 साल की उम्र है, मेरी 65 साल हो गए लुधियाने के बच्चे। 65 साल पहले देखो तुम की होंगे सी लुधियाने के बच्चे, तो उस टाइम आज़ाद हुआ से अपना जोड़ा पंजाब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान जो बनया, तो उन दिन इतने आ गए थे। अच्छा पहले जब आए तो कहाँ फिर हुए रुके आप? देखो हम वही महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से बॉम्बे साइड के रहने वाले, कुरला के। तो हम हमारा घर वाला इधर बचपन से रहता था बाप के साथ, क्यों अंधाता वो घुमाता था। तो जलंधर में रह गया है, वो हो गया जवान, फिर उसने गांव में शादी करी है। उसके बाद हम यहाँ ही आए। आने के बाद तो वहाँ से पहले गाड़ी का किराया लगता था 80 रुपये, पैसेंजर चलती थी। जब भी हम यहाँ ही रह गए, ये काना दोना ना चलता था। जब भी बच्चे हमारे पैदा यहाँ ही हो गए, शादी ब्याह यहाँ ही कर दी हमने सब कुछ। अच्छा घंटाघर जब जाते थे टांगे में कितना पैसा लगता था? दो नाने लगते थे। अंग्रेज के राशि दो नाने। अच्छा अच्छा, दो तो नाने। कमरे का किराया कितना था फिर? कमरे का किराया था 50 पैसे उस टाइम में। 50 पैसे? 50 पैसे कमरे। तो यहाँ पर आबादी वगैरह कम होती होगी? बहुत कमी थी उस टाइम में। पर ऐसा किसी बात का डर नहीं था यहाँ पर, किसी बात का डर ना। कोई अकेली जनानी जाए तो कोई छू नहीं सकता था उसको। दो नाने किलो के हिसाब नहीं था उस टाइम में, अस्तर पावसर का ही था, अदली पायली ऐसा चलता था इधर। तो ये जो 8 आने 4 आने किलो था उस टाइम। तुम्हारे फिर महाराष्ट्र के कितने लोग हैं यहाँ लुधियाना में? हमारे महाराष्ट्र 500 घर की बस्ती है। बस 500 यहाँ नहीं है, जलंधर में है। अच्छा जलंधर लुधियाना में कम है? लुधियाने में तो मैं लुधियाने का तो नहीं देखी हूँ, पर हमारी पूरी है ना फैमिली जलंधर में काजी मंडी के पास से वहाँ रुके हुए हैं सभी। अच्छा तो यहाँ जो भी बिहार के तो लोग बहुत आ गए ना? हाँ यूपी बिहार के बहुत है यहाँ पर। हाँ तो घर घर में जहाँ काम चल रहा है भाई, हाँ, जो है। तो तुम फिल्म भी देखते हो उस वक्त सिनेमा हॉल में? सिनेमा हॉल में पहले देखते, अभी कौन से घर में थे, टीवी लगा है, मोबाइल में आ रहे हैं, अभी क्या देखे। अच्छा बोल तो खत्म ही हो गए। तो बच्चों को फिर पढ़ाया था? कौन से स्कूल में पढ़ाया फिर? देखो भाई हमारे राज में घर वाले को 87 में घर वाला मर गया। अच्छा छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ाई किसी की करी नहीं मैंने, यही लोहा लकड़ का कबाड़ का काम करके बच्चे की शादी ब्याह करी, पोती की भी शादी शुदी करी हूँ, और सुख चैन से रह रही। अब देखो तुमने इतना बड़ा ये दुकान लगा रखा है, देखो इतना बड़ा तुम सामान लेके यहाँ बैठी हो, तो तुम्हारा बेटा देखता है या तुम्हारी नहु देखते है? जो बेटी देखते कोई नहीं, कोई नहीं देखती। बहू नाना बेटा कोई किसी का बेटा नहीं, किसी के बहू नहीं। कितने बच्चे बेटे तुम्हारे? मेरे है 4 बेटे, एक तो खत्म हो गया जम्मू में, 3 बेटे एक बम्बई में रहता है, 2 यहाँ है। अच्छा तो दोनों ही नालायक ही है? दो ही नालायक निकले हैं। हाँ एक सिर्फ मेरी बहू है छोटी वाली, वो सही है। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा हाँ, मदद करती है, वो देखभाल मेरी करती छोटी बहू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो घर अपने ही है? घर अपना नहीं, किराए से रहे। अभी भी तक किराए पे रह रही हो? तुम्हारे को 65 साल हो गए किराए पे? 65 साल हो गए, बच्चे का छोटे से बड़े करना, शादी ब्याह करना, देखभाल करना, दो नाने तो पित्तल का भाव था उस टाइम में, बच्चे पाले वही बहुत है। बच्चे पालने जाने के वही बहुत है, जाने के कहने का मतलब है कि क्या करें। हाँ अब दोनों बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देते हैं? साथ नहीं देते बच्चे, लड़के में बहुत सही है पर बेटे सही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बहू बैठते हो तुम अकेले बैठते दिन भर? बहू अल्लाह जी काम करती है। अच्छा अलग करती है? अल्लाह जी करती है, वो तांबा पीतल की छटाई करती है। 400 रुपये धाड़ी से? 400 रुपये धाड़ी मिल जाता है उसको? 400 रुपये धाड़ी। तो ये सारा कपड़ा तुम्हारे भी जितना भी है अब कहाँ से खरीदते हो? ये पटियाले से आता माल, पटियाले से आता माल, वो तो जलंधर से आता माल, कुछ अमृतसर से माल आता है। अच्छा आ जाता है। हाँ, ये सारा मशीन वगैरह साफ करने के लिए होता होगा? हाँ कारखाने में जाता है। कारखाने में जाता है ना सारा माल, मशीन वगैरह साफ करने के लिए। कितने रुपए किलो देते हो? ये किलो तो है 10 रुपए किलो। हाँ तोल वाला। हाँ गाट जो बांधती, गट्टी जो बांधती, ये 100 रुपए देते। अच्छा गट्टी कौन सी बोलते हैं? ये गट्टी है, ये गट्टी 100 रुपए 100 रुपए की है। चलो खर्चा निकल जाता होगा और क्या है, गाड़ी थोड़ी निकल जाती है। चलो फिर रात को फिर यहीं पर सो जाते हैं? यहाँ नहीं सोते। अच्छा बंद करके चले जाते। चलो ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है पंचफूला। पंचफूला देखो फूला होते हैं ना। चलो धन्यवाद दोस्तों। जय देखो लुधियाना शहर में 86 साल उम्र है, अभी भी जो काम कर रहे हैं 86 साल वाले, अभी भी ये सारा सामान देखती है, क्या करते हैं। उसके बाद ये गांठ वगैरह बेचती है 100 रुपये का, 10 रुपये किलो वैसे रेट है। धूप ऊपर से पड़ रही है, कोई पंखा नहीं है, कोई एसी नहीं है, मेहनत करने से सब कुछ है।
चोरी चिट्टी मत करो, हाँ, लुच्चेपना ना करो, हाँ, जो मिले उसमें गुजारा करो, कोई सही बस 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 बस। तो दवाई वगैरह खाते हो? हाँ, दवाई चालू मेरी। अच्छा अच्छा, कौन सा चलता है? मेरी दवाई चल रही कम्बर की चल रही है, हाँ, और सिर दर्द होता है इसकी दवाई चल बस यही है, बस दूसरा नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, जनरल गोली खाते हो? जनरल। चलो दोस्तों, ये दिखाया हमने आपको।